शिवपुरी के दर्पण कॉलोनी में स्थित अशासकीय अनुसूचित बालक छात्रावास में छात्र खुद खाना बनाने पर उतारू हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से रसोईया हॉस्टल में नहीं आ रही है, जिसके चलते छात्र काफी परेशान हैं और उन्हें खुद खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? अश्विन जाटव। कहाँ से आए हो आप लोग? हॉस्टल से। कौन से हॉस्टल से? आशासकीय अनुसूचित बालक छात्रावास से। कहाँ पे? नीदरपण कॉलोनी में। क्या शिकायत लेके आए हो आप? शिकायत लेकर ये आए कि 10 दिन से जो रसोईया है खाना बनाने नहीं आ रहे। तुम लोग खाना कैसे बना रहे हो? खाना अपने हाथों से बना रहे हैं। अच्छा, कब से मतलब आपको ये शिकायत आ रही है, समस्या आ रही है? समस्या आ रही है 1 तारीख से। 1 तारीख से? तो अभी तक आपका जो प्रभारी होगा हॉस्टल का, तो वो क्या कर रहा है? प्रभारी है जो भाइयों को रसोइयों को मना रहा है कि आ जाओ, तो भी आए भी नहीं रही। अभी क्या चाहते हो तुम? अब चाहते हैं कि रसोई खाना बनाने, उनकी तनख्वाह जो है कि ये बोल दिया कि हमारी तनख्वाह नहीं मिली। तनखे से जो बच्चों का उनका क्या लेन देना है? तनखा का उनका आपस का मैटर है, जी तो हमारा तो अलग बात है ना। हमें तो खाना मिलना चाहिए, तो हमें खाना नहीं मिला अभी तक। तो अभी कितने ऐसे छात्र छात्राएं उसमें है जो खाना नहीं मिल पा रहा हम लोग? उसमें पूरे छात्रावास में कितने लोग होंगे लगभग? उसमें लगभग है 30। उसमें पूरे जितने भी उसमें उपस्थित है ना वो 30 है, और उसमें जो खुला है वो 40 है। लगभग तुम ही लोग खाना बना रहे हो जब तक? उसका तो उसका अलग से भी खर्चा कर रहे हो फिर आप खाना बनाने के लिए? वो मास्टर दे देता है। मास्टर जी दे देते हैं ना। तो अब क्या चाहते हो आप? रसोईया जो है हमारा खाना बनाने के लिए है।